हेलो एंड वेलकम टू संदीप प्रियास किचन। आज हम बनाएंगे रसमलाई। आप लोग भी इसे घर पर आसानी से बनाकर एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट हम मिल्क को बॉयल करेंगे। ये मिल्क का हमें छना बनाना है। अब हम मिल्क को थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे, उसके बाद विनेगर या लेमन जूस ऐड करके मिल्क को हमें फाड़ना है। तो अब हम मिल्क को बॉयल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मिल्क अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। यहाँ पे मैंने विनेगर यूज़ किया है, आप चाहो तो इसमें लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसमें विनेगर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार मिक्स करने के बाद फिर से हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। यहाँ पे मैंने टोटल 3 टीस्पून विनेगर यूज़ किया है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लोली फटने लगा है, छना बनना शुरू हो चुका है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर येलो हो चुका है, इसका मतलब ये छना परफेक्टली बना है। अब हम ये छना को छान लेंगे। अब हम एक छन्नी लेंगे, उसके नीचे एक बाउल रखेंगे। अब हम ये छन्नी के ऊपर एक कपड़ा रखेंगे, कॉटन का कपड़ा, और अब हम छना को छान लेंगे। छानने के बाद इसके ऊपर से हम वाटर ऐड करके छना को अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि हमने विनेगर यूज़ किया है ना, तो उसका फ्लेवर जो भी है वो चला जाएगा वॉश करने से। अब हम ये चना को अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसमें वाटर या मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना है, तो अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और इसे हम ये छन्नी के ऊपर ऐसे ही रख देंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर या वाटर रहेगा ना वो निकल जाएगा। इसे अब हम एक हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हम बनाएंगे रबड़ी। तो अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 लीटर मिल्क। यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे जब तक कि मिल्क जो है वो हाफ क्वांटिटी में हो जाए, तब तक इसे हमें बॉईल कर लेना है और ये ऊपर का जो मलाई है उसे हम साइड में इकट्ठा करते हुए बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें मलाई को साइड में इकट्ठा कर लेना है और मिल्क को हमें बॉईल कर लेना है जब तक कि ये हाफ क्वांटिटी में ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मिल्क अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है और गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सैफ्रॉन, ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने काजू बादाम और पिस्ता यूज़ किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर 1/2 कप, थोड़ा सा हलवा स्टाइल बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, या बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे एक 5 से 10 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेंगे। अब ये मिल्क में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे कार्डमम पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे कार्डमम पाउडर, एक बार इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब ये रबड़ी बनकर तैयार है। अगर आपको बहुत गाढ़ा रखनी है रबड़ी को तो आप इसे और भी बॉयल कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लाइटली ठंडा हो जाने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम साइड में रखेंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये छना बनकर तैयार है। इसमें जो भी मॉइस्चर था ना वाटर, वो निकल चुका है। अब हम ये छना को अच्छे से मसल मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम ये छना को हाथ से अच्छे से मसलते हुए डो के जैसा बना लेना है। जितना आप इसे मसलोगे ना, ये छना जो है उतना सॉफ्ट बनेगा और रसगुल्ला भी स्पॉन्जी बनेगा। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हाथ से मसलते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए मसलना है, तभी ये जो है सॉफ्ट बनता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो
अब ये छना डो फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ना इसमें एक अच्छा सा बाइंडिंग आता है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक 1 to 2 मिनट्स के लिए गूंद लेंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये चना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, डो फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसे एक सिलेंड्रिकल शेप देंगे और अब हम एक नाइफ की सहायता से इसे स्मॉल स्मॉल लेमन साइज़ के जितना कट कर लेंगे। आपको जितना चाहिए साइज़ उतना साइज़ में आप कट कर सकते हो। आप इसे अंगूरी साइज़ में भी कट कर कर अंगूरी साइज़ में बना सकते हो रसमलाई। अब हम एक लोई लेंगे और हाथ के बीच में रख के लाइटली प्रेशर देते हुए हमें राउंड शेप देना है। ये देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप देना है और अब हम इसे चपटा कर लेंगे, थोड़ा सा लाइटली चपटा कर लेंगे। इस तरह से हम सब लोई को बना लेंगे। इस टाइम पे ये छोटा दिख रहा है लेकिन जब आप इसे शुगर सिरप में बॉयल करोगे ना तो इसका साइज़ और भी बढ़ जाएगा, तो हमें इसका साइज़ थोड़ा छोटा ही रखना है। ये बॉईल होने के बाद थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने रसगुल्ला बना लिया है। अब हम एक वेट क्लॉथ से इसे ढक देंगे ताकि वो सूख ना जाए। अब हम शुगर सिरप बनाएंगे, उसके लिए हमें कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे शुगर 1 कप और अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर 3 कप्स। अब हम इसे एक बार मिक्स करके इसे हम बॉईल कर लेंगे। हमें इसे बॉईल करना है जब तक कि शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए और इसमें कच्चा सा उबाल आ जाए, तब तक इसे हमें बॉईल कर लेना है। ये सिर्फ बॉईल हो जाए उतना काफ़ी है, इसमें कोई हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। ये सिर्फ बॉईल हो जाए उतना काफ़ी है। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो शुगर वाटर में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रसगुल्ला, एक एक करके ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर वाटर में डालने के बाद फटाफट से ये ऊपर फ्लोट होने लगा है, इसका मतलब ये परफेक्ट बना है। और जब भी आप रसगुल्ले को शुगर वाटर में ऐड करोगे ना तो उसे हमें टच नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है। अब हम इसे ढककर हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे एक 15 टू 20 मिनट्स तक और बीच बीच में हम लिड को ओपन करेंगे और स्लोली हम पलट लेंगे और उसके बाद हम फिर से लिड लगा के बॉईल करेंगे। इसे हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, सिर्फ लाइटली पलट देना है, बस इतना ही काफ़ी है। थोड़ी देर के बाद हम लिड ओपन करेंगे और स्लोली हम इसे पलट लेंगे। वाओ, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो इसका साइज़ और भी डबल हो चुका है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो हल्के हाथों से इसे पलट लीजिए। आप इसे ना पलटो तो भी चलेगा लेकिन पलटने से ना ये दोनों साइड से इवनली कुक हो जाता है। अब हम फिर से लिड से क्लोज करेंगे और इसे हम एक और 10 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। टोटल हमें इसे 20 मिनट्स तक ही कुक करना है। अगर आप इसे ज़्यादा कुक करोगे ना तो ये रसगुल्ला जो है वो हार्ड हो जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रसगुल्ला बनकर तैयार है और इसका साइज़ तो देखिए और भी डबल हो चुका है, बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी बना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे हम लाइटली ठंडा होने देंगे। ये जस्ट लाइटली ठंडा हो जाए उसके बाद हम एक स्पून की सहायता से इसे लाइटली नचोड़ लेंगे। इसमें जो भी शुगर वाटर है ना उसे हम लाइटली नचोड़ कर इसे हम जो रबड़ी बनाई थी ना उसमें हम इसे ऐड कर लेंगे। अब ये रसगुल्ला ठंडा हो चुका है, अब हम इसे लाइटली नचोड़ लेंगे एक स्पून की सहायता से। इसे हमें ज़्यादा नहीं नचोड़ना है, सिर्फ लाइटली नचोड़ कर इसे हम रबड़ी में ऐड करेंगे। इस तरह से हम सब रसगुल्ले को नचोड़ लेंगे और रबड़ी में ऐड करेंगे। इस तरह से हम सब रसगुल्ले को निचोड़ लेंगे और ये मलाई में ऐड कर लेंगे।
ये देखिए ये कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। ये सब रसगुल्ला को मलाई में ऐड करने के बाद इसे हमें लिड से क्लोज करके एक 1 to 2 hours के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 1 to 2 hours के बाद इसे हम फ्रिज में रखेंगे एक 2 hours के लिए, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। जब भी आप रसमलाई को बनाओगे ना तो फ्रिज में रख के उसे आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, बहुत ही यमी और डिलीशियस रहता है। और भी बेस्ट रिजल्ट आने के लिए आप इसे नाइट में बना दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए और नेक्स्ट डे एंजॉय करिए। जो भी हमने रबड़ी बनाई थी ना वो रसगुल्ला सब सोख कर लेगा, पूरा अंदर तक जाएगा और उसका टेस्ट तो लाजवाब रहता है। ये जो लेफ्ट ओवर शुगर वाटर है ना इसे आप पैनकेक्स बनाओगे ना उसमें ऐड कर सकते हो। तो अब हम इसे एक बार लाइटली मिक्स कर लेंगे और लिड से क्लोज करके इसे हम एक 1 hour के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख के सर्व करेंगे। है ना बहुत ही सिंपल एंड इजी डिलीशियस यमी डिज़र्ट रेसिपी। तो देर किस बात की, आप लोग भी ट्राई करिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।